सो टुडे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक से एक चीज दिमाग में पहले से आ जानी चाहिए, दो ही जीरोस मिलेंगे हमें, ठीक, दो जीरोस हमें मिलेंगी, क्वाड्रेटिक है तो, क्यूबिक होता तो तीन जीरोस मिलते, ठीक है। तो जीरोस फाइंड करना, उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये वेरीफाई कर रहा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। एक क्वेश्चन अच्छे से आप समझिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब कांस्टेंट टर्म 8 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया 8। अब 8 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसमें सबट्रैक्ट करने में माइनस टू आए, सबट्रैक्ट करने में 2 आए और मल्टीप्लाई करने में 8 आए। सबट्रैक्ट में क्यों 2 आए, क्योंकि यहाँ का साइन माइनस है, अगर यहाँ प्लस साइन होता तो जो बीच का नंबर है ये ऐड करने में आता, और यहाँ माइनस साइन है तो जो बीच का नंबर है वो सबट्रैक्ट करने में आएगा। तो 8 के आप फैक्टर कर लीजिए इजिली, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 2 जा 8, अगर 4 में 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 2, यही तो हमारे नंबर हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 और x बाहर कर दीजिए माइनस 8, कोई प्रॉब्लम। 4 में 2 सबट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, 4 2 जा 8। अब x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8, 2 2 का पेयर बनाइए, 2 2 के पेयर बनाने हमें। अब इसमें क्या कॉमन है x, और x माइनस 4 आया, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस 2 और x माइनस 4 आया। अगर ये दोनों स्टेप सेम आते हैं यानी कि इस स्टेप में अगर ब्रैकेट वाला नंबर जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो सेम है, तो इसका मतलब आप समझिए कि आपका कैलकुलेशन सलूशन आपका सही जा रहा है। तो इन दोनों से क्या कॉमन है x माइनस 4 और क्या बचेगा इसमें x और इसमें प्लस 2। फॉर जीरोस, जब हम जीरोस फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, इन दोनों के इक्वल में 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू 4 दोबारा, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या मिलेगा 2, इधर आएगा माइनस 2। तो हमें जीरोस कितने मिले, हम यहां लिखेंगे जीरोस 4 कॉमा माइनस 2, ये जीरोस आ गए। अब इसमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए सम ऑफ जीरोस ये इसके नीचे आप इसे सॉल्व करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या है, क्या होता सम ऑफ जीरोस, आपने अच्छे से पढ़ा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और इधर क्या है जीरोस 4 और प्लस माइनस 2, तो ये 4 माइनस 2 और बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस और माइनस 2 और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1, 4 में 2 सबट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 2, 2 अपॉन 1 मींस 2, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड भी हो गया। वेरीफाई क्या करना था, सम ऑफ जीरोस जो है और जो हमारा फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वही होता है ना सम ऑफ जीरोस, तो उसे चेक करना था कि दोनों इक्वल आएंगे कि नहीं। तो ये क्या होता है, आप लिखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड नीचे लिखेंगे आप
कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है सम ऑफ जीरोस। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। सेकेंड थिंग्स, अब इसमें वेरीफाई करना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा बीटा मतलब जानते हैं ये दो रूट्स हैं, ठीक है, जो दो आपके जीरोस आए हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो अल्फा क्या हो गया आपका 4 इंटू माइनस 2, सी क्या है कांस्टेंट टर्म माइनस 8, ए क्या है 1, 4 टू जा माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, ये भी आपका वेरीफाइड है। बस यही सलूशन हो गया इसका, है ना इजी, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो एक तो ये फार्मूला बन रहा है, दूसरी चीज 4 वन जा 4 और 2 टू जा 4 और 2 टू ऐड करेंगे, ऐड करने पे 4 आना चाहिए तो उसमें आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, ठीक है, या फिर सीधा डायरेक्ट 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ देखिए क्या कॉमन है 2s, क्या बचेगा 2s माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लीजिए 2s माइनस 1, ये दोनों स्टेप सेम है, 2s माइनस 1 कॉमन है और दूसरे स्टेप में भी आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल ये आ जाएगा। फॉर जीरोज, अब हमें जीरोज फाइंड करने हैं, तो जीरोज के लिए क्या करते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s क्या मिलेगा 1/2, दूसरा भी है ये 2s माइनस 1 तो s इक्वल टू 1/2 1/2 दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक। तो एक आपका हो गया अल्फा और दूसरा बीटा, जीरोस क्या मिले 1/2 कामा 1/2, ठीक। अब हम करेंगे वेरीफाइड। तो पहले है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में क्या होता है हमारा वही माइनस बी अपॉन ए, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस देखिए यहां क्या है 1/2 प्लस 1/2, ये सम ऑफ जीरोस इक्वल टू बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां एक्स की जगह हम एस राइट करेंगे क्योंकि हमारे इक्वेशन में वेरिएबल क्या है एस, ठीक, एस और एस स्क्वायर। तो माइनस और बी की वैल्यू क्या है माइनस 4 और ए क्या है 4, तो 1/2 1/2 हाफ ऑफ कितना होता है 1 और 4 वन सा 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये वेरीफाइड हो गया। दूसरा देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मैं ये नहीं राइट करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एस, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है, सीधा माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए चलेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ठीक है, तो अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म और ए क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर। तो सी की वैल्यू 1 है और ये 4 हो गया, तो 1/2 1/2 1/4 और 1/4, तो ये भी हो गया क्या वेरीफाइड हो गया, इजी है, ये आपका सलूशन हो गया। सेकंड नेक्स्ट 6x² - 3 - 7x, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वेरिएबल की पावर जो है असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको पहले सेट कर लेते हैं 6x² - 7x - 3। अब देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म और
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 3 18। अब मल्टीप्लाई में तो हमारा 18 आना चाहिए, यहां साइन है माइनस, इसका मतलब सबट्रैक्ट करने में बीच वाला टर्म आना चाहिए, तो 18 मल्टीप्लाई में सबट्रैक्ट करने में आना चाहिए 7, तो 9 2 18 और 9 2 7 बस हो गया 6x2 - 9x - 2x and - 3। एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई 9x + 2x - 3। अब देखो दो दो स्टेप बनाओ, पेयर बनाओ और दोनों में क्या कॉमन है 3x, 3x कॉमन है, यहाँ क्या बचा 2x और 3 3 9, प्लस 1 कॉमन लीजिए, जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलेगा वहाँ 1 होगा 2x - 3। अब क्या बाहर आ जाएगा 2x - 3 दोनों में कॉमन है और ये सेम स्टेप्स हैं, और बचेगा क्या इसमें 3x और इसमें क्या बचा +1। ये आपके हो गए फैक्टर। अब फॉर जीरोस, अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे एक एक को जीरो को इक्वल करेंगे, 2x - 3 = 0, मतलब क्या हुआ 2x = 3 और x = 3/2। ठीक है, दूसरा सेम ऐसे ही करेंगे एंड 3x + 1 = 0, तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। ठीक, तो हमें जीरोस क्या मिले, जीरोस राइट कर लेते हैं, जीरोस हमको मिले 3/2 एंड कॉमा -1/3। टू जीरोस हैं, एक अल्फा की वैल्यू है दूसरी बीटा की वैल्यू है। ठीक है, नाउ वी विल टेक सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। मैं अब बार बार यहां नहीं लिखूंगा, कॉफिशियंट ऑफ एक्स और कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर सीधा -b/a होता है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड जानते हैं ax² + bx + c = 0, इसी से निकलती है सारी चीजें। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है आपके 3/2 - 1/3, सम करना तो आप यहां पे 3/2 माइनस और प्लस और यहां माइनस कर दीजिए 1/3 और इक्वल टू -b। अब b देखिए क्या है हमारा यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x, तो -7 है, -7 रखिए, a क्या है 6, तो 6 रख दीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 2 6 और 2 3 6 3 3 9, माइनस प्लस माइनस 3 2 6 और यहाँ क्या आया 7/6, 9 - 2 7/6 = 7/6, तो क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो गया। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। ठीक है, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 3/2 - 1/3 = c क्या है आपका -3। यहां पे मत देखना abc, क्योंकि ये करेक्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ये करेक्ट फॉर्म में है। c क्या है हमारा -3, a क्या है हमारा 6। ठीक, तो 3 1 3 - 3 3 2 6 - 3/6, ये क्या हो गया वेरीफाइड। क्लियर, नेक्स्ट फोर नंबर 4u² + 8u, यहां पे वेरिएबल क्या है u है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां कोई फैक्टर की बात ही नहीं है, 4u मैक्सिमम कॉमन है, तो यहां पे u आया 4 2 8। ठीक, फॉर फाइंडिंग जीरोस, या आप लिख सकते हैं फॉर जीरोस क्या करेंगे हम, 4u = 0, तो u = 0, फिर क्या करेंगे u+2 = 0 एंड u+2 = 0
तो u इक्वल टू माइनस टू, तो जीरोस हमको क्या मिल गए, जीरो कमा माइनस टू। ठीक, अब क्या करेंगे, वही चीज जो अभी तक करते आए हैं, वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आप जानते हैं माइनस बी अपॉन ए, कॉफिशियंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स एंड अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, तो सम करेंगे इनका, एक जीरो है आपका, एक जीरोस और दूसरा है माइनस टू, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, इस बात को ध्यान रखा जाए, प्लस जीरो आप इसमें कर सकते हैं, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, बी की वैल्यू है आपकी एट। ठीक, बी की वैल्यू है एट, तो माइनस एट और ए की वैल्यू है फोर, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस टू और फोर टू जा एट, यहाँ भी आ गया माइनस टू, तो ये हो गया वेरीफाइड, सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो गया। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, आप जानते हैं सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट यानी कि जीरो मल्टीप्लाई माइनस टू, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ क्वेश्चन में, तो जीरो और ए क्या है फोर, तो ये तो जीरो हो गया, और जीरो अपॉन कोई भी नंबर होगा वो भी जीरो होगा, तो ये भी हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन, टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन, तो देखिए इसका कुछ नहीं हो सकता, ये जेव का देव रहेगा, कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, ऐसा ही रहेगा, तो बस लिखिए फॉर जीरोस, जीरोस के लिए क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, तो टी स्क्वायर इक्वल टू फिफ्टीन, अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो टी इक्वल टू प्लस माइनस रूट फिफ्टीन आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे और इससे स्क्वायर हट जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस फिफ्टीन, यानी कि जीरोस आपके पास क्या आ गए, एक आ गया प्लस का फिफ्टीन और दूसरा आ गया माइनस का फिफ्टीन रूट में, अंडर रूट में। ठीक, रूट बोलिए या अंडर रूट बोलिए, बोथ आर सेम थिंग्स। अब बस वही वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो इनका सम करिए, रूट फिफ्टीन प्लस माइनस रूट फिफ्टीन इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ बी नहीं है, क्योंकि अगर देखिए इसको ऐसे भी आप लिखिए आपको कंफ्यूजन ना होगी, माइनस जीरो टी प्लस जीरो टी माइनस फिफ्टीन ऐसे लिखिए तो सारे टर्म बन जाएंगे। ठीक, ये वाला टर्म जीरो है, यहाँ है नहीं, ठीक है, बी वाला टर्म ए वाला है और कांस्टेंट टर्म है, तो बी क्या है जीरो है, और ए क्या है आपका टी स्क्वायर का कॉफिशियंट, यहाँ वेरिएबल टी है तो वन रखिए, और ये ऑलरेडी रूट फिफ्टीन प्लस माइनस माइनस रूट फिफ्टीन, ये क्या हो गए, ये जीरो आ गए और ये दोनों विदा हो गए, तो जीरो इक्वल टू जीरो क्या हो गया भाई, वेरीफाइड। ठीक है, इसके बाद वही काम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अब तो आप कर लेंगे, सारे सेम है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, रूट फिफ्टीन मल्टीप्लाई माइनस रूट फिफ्टीन इक्वल टू सी क्या है, सी है आपका माइनस फिफ्टीन और ए क्या है वन, जब दो नंबर का, दो रूट में नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट फाइव करेंगे तो क्या आता है फाइव, कैसे आता है, ये फाइव की पावर वन बाई टू, ये भी वन बाई टू, पावर ऐड होंगी हाफ ऑफ हो जाएगी वन, इसलिए आता है ये फाइव, तो यहाँ भी वही सिस्टम में क्या आ जाएगा फिफ्टीन और उधर आपका माइनस फिफ्टीन है, तो ये भी हो जाएगा आपका वेरीफाइड, इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट नंबर सिक्स,
3x square minus x और minus 4, very easy, इसके factor करते हैं, 4 3 is a 12, और 4 में ही 3 subtract करेंगे तो minus 1 आ जाएगा, तो 3x square minus 4x plus 3x minus 4, subtract क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे sign minus का था, और जो जिससे subtract करेंगे उसको हम बड़ा रखेंगे, यानी कि minimum बड़ा होना चाहिए, और subtrahend छोटा होना चाहिए, minimum ये आपकी बड़ी नंबर माइनस की होगी और छोटी प्लस की तब भी माइनस का आएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, x है तो 3x minus 4, यहाँ क्या कॉमन है, कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन है, 3x minus 4, ओके 3x minus 4, अब दोनों में क्या कॉमन है, 3x minus 4, फिर इसमें क्या आएगा, x plus 1, अब क्या करेंगे, फॉर जीरोस, जीरोस फाइंड करने हैं, तो एक एक को जीरो को इक्वल करो, 3x minus 4 equal to 0, it means 3x equal to 4, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x equal to क्या मिल जाएगा, 4 by 3, and अब दूसरे फैक्टर को जीरो को इक्वल करो, x plus 1 equal to 0, तो x equal to क्या मिल जाएगा, minus 1, तो zeros हमको क्या मिल गए हैं, zeros हमको मिले 4 upon 3 comma minus 1, 2 zeros मिल गए, ठीक। अब देखते हैं verification, sum of zeros, minus b upon a, ठीक, तो sum यानी कि दोनों का addition, 4 by 3 plus minus 1, ये sum of zeros, b की value क्या है, coefficient of x, तो 1 है, minus 1, तो minus minus, ये दोनों क्या हो जाएंगे, minus और minus 1, a क्या है, coefficient of x square, तो ये है आपका 3, इसको solve करो, by 1 करने 3 LCM, तो 4 plus minus minus, 3 1s are 3, equal to minus minus plus 1 upon 3, तो ये 1 upon 3 equal to 1 upon 3, ठीक है, तो ये हो गया verified। अब product of zeros, उसको भी verify कर लेते हैं, product of zeros, product of zeros क्या होता है, c upon a, product मतलब इन दोनों का multiply, तो 4 upon 3 multiply minus 1, c क्या है, minus 4, a क्या है, 3, ठीक है, तो 4 1s are 4, minus 4 upon 3, और ये भी minus 4 upon 3, ओके, तो ये भी हो गया आपका verified, पहले ये भी हम कर सकते थे, कि यहाँ पे इसको compare करके, ax square plus bx plus c equal to 0 से compare करके, abc की value निकालते, वैसे भी करते, ये भी ठीक है, ठीक, तो ये आपका question first खत्म हुआ, 6 question थे, थोड़ा video lengthy हो गया, कोई बात नहीं।